मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य दलों के स्टार प्रचारक मैदान में हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आम सभाओं और रैलियों का आयोजन हो रहा है। बुरहानपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ की आम सभा आयोजित हुई। इस चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा पर जमकर भड़के। उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं मध्य प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाइयां नहीं है, जो चिंता का विषय है। नालियों और शौचालयों भारी में अनियमितता है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस महापौर प्रत्याशी शहनाज अंसारी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। भाषण के दौरान कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार है, युवा बेरोजगार है। बुरहानपुर ऐतिहासिक शहर है लेकिन विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। मैं क्या आपको समझाऊं, जो जो मैंने सुना, या पानी की स्थिति हो, अस्पताल की स्थिति हो, ट्रैफिक की स्थिति हो, सड़क की बात हो, हॉस्पिटल बनने के बाद सुविधा की बात हो, अस्पताल की क्या बात करो। अस्पताल में तो दवाइयां नहीं, डॉक्टर नहीं, अस्पताल की ये हालत। और बुरहानपुर जैसे मशहूर शहर में ये हालत देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। इस चुनाव में देश का फैसला नहीं हो रहा, देश कौन से रास्ते में चलेगा, मोदी के रास्ते में या देश की संस्कृति के रास्ते में। हमारे देश की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है पूरे विश्व में। नौजवानों याद रखिएगा। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।